छत्तीसगढ़ पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और अमन सिंह गैंग से जुड़े चार शूटरों को गिरफ्तार किया है। इन्हें छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े कोयला कारोबारी को जान से मारने की सुपारी मिली थी, जिसके बाद तीन शूटर रायपुर पहुंच चुके थे या अगले 24 घंटे में इस बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इसके पहले ही रायपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस पर पूरे मामले का खुलासा करते हुए रायपुर रेंज IG अमरेश मिश्रा ने बताया कि इस गैंग की जानकारी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर रायपुर पुलिस को मिली, जिसमें पता चला कि राजस्थान और झारखंड से कुछ शूटर रायपुर पहुंचे हैं। उनके निशाने पर कोयला के काम से जुड़े बड़े कारोबार थे। वहीं अमन सिंह गैंग को इन कारोबारियों से लेवी नहीं मिलने पर इन शूटरों को हत्या करने की सुपारी दी गई थी। तो रायपुर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। अमन साहू जो एक अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय गैंग है, उनके चार सदस्यों को फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। इंटेलिजेंस इनपुट पे बेस्ड है ऑपरेशन, पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था, जिसमें रोहित स्वर्णकार झारखंड का निवासी, मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह एवं पप्पू सिंह तीनों राजस्थान के निवासी, इनको पकड़ा गया। ये लोग छत्तीसगढ़ के कुछ औद्योगिक घरानों के ऊपर और उनके मालिकों के ऊपर हमला करने वाले थे। कल जा रहा है, इनसे पूछताछ की जाएगी ताकि आगे की जानकारी। ये गैंग बड़ा सोफिस्टिकेट तरीके से चल रहा था। अमन साहू गैंग, जैसा कि मालूम है, अभी जेल में बंद है वो, तो जेल से ऑपरेशन चलाता था वो। सोशल मीडिया के माध्यम से टारगेट्स को रिक्रूट्स करता था लोगों को, ताकि जो लोग इस घटना को अंजाम दे सके ऐसे लोगों को। इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होता था ताकि जो डेटा हो ऑटो डिलीट हो सके और पुलिस के मांगने पर ना मिले। बट हमारे केस में हम लक्की हैं कि हम लोगों को डेटा टाइमली हमने पकड़ा है, तो डेटा मिल गया है।